लाहौर की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 274 से बढ़ाकर 500 करने का फैसला। एक यूनियन काउंसिल 18,000 की आबादी पर बनेगी। डिस्ट्रिक्ट मेंबरान की 319 से बढ़ाकर 500 की जाएगी। शहर में 6,500 बल्दियाती नुमाइंदों का इलेक्शन होगा। लाहौर न्यूज नए मुजवजा बल्दियाती निजाम के कदोहाल सामने ले आया। मजहबी और सियासी जमातों का नासिर बाग से पंजाब असम्बली तक मिलियन मार्च। मौलाना फजलुर रहमान मार्च की क्यादत करेंगे। मरकजी स्टेज की जगह तब्दील। पंजाब असम्बली के बजाय अल्फला बिल्डिंग के सामने स्टेज लगाने की तैयारियां। शुरका नासिर बाग से बरास्ता मॉल रोड पंजाब असम्बली पहुंच गए। मिलियन मार्च मॉल रोड पर एनसीए के अलावा तमाम तालीमी इदारे बंद। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस को भी ताले। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस ने मॉल रोड पर तमाम दुकानें और मार्केटें बंद करा दी। रूट पर 3 एसपी 8 डीएसपी समेत 1,000 पुलिस एहलकार तैनात। ट्रैफिक प्लान भी जारी। 200 से जायद वार्डन्स तैनात। सीटीओ का दौरा। ट्रैफिक प्लान पर ब्रीफिंग। सेनेट इलेक्शन पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे बाकी। 2 नशिस्तों पर नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल का नून लीग के साउद मजीद से मुकाबला। खवातीन की नशिस्त पर सेमी एसी और सायरा अफजल तारण मत मुकाबल। अब तक 165 से जायद वोट कास्ट। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और स्पीकर असम्बली ने वोट कास्ट कर दिया। चौधरी परवेज इलाही से पहले बैलेट पेपर्स पर गलती हो गई। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर को दोबारा बैलेट पेपर जारी किया। कौन आया कौन नहीं, तहरीक इंसाफ और नून लीग को फिकर। बंदे पूरे करने पर ड्यूटी लग गई। असेंबली के अंदर रजिस्टर खुल गए। अरकीन असेंबली को हाजिरी लगाने की हिदायत। ये हमारे मेंबर्स हैं। पोलिंग शुरू होते ही लीगी अराकीन उलझ पड़े। सिक्योरिटी गार्ड से झड़पे। लीगी अराकीन असेंबली का गेट बंद कराने का इल्जाम। हमजा शहबाज गेट पर स्टाफ को रोके जाने पर बरहम। सिक्योरिटी गार्ड से तल्ख कलामी। आप हमारे मौसिस अराकीन को धक्के दे रहे हैं। क्या स्पीकर के कहने पर अराकीन को रोका जा रहा है। हमजा शहबाज ने सिक्योरिटी गार्ड को पीछे हटा दिया। पोलिंग के दौरान अराकीन असेंबली के मेहमान अंदर नहीं जा सकते। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जिसको शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन से राबिता करे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। किसी भी रुकन असेंबली को रोका और ना किसी के लिए दरवाजे बंद किए। एहतजाज करना है या पुराम रहना है ये नून लीग की अपनी मर्जी है। सुबह वजीर कानून राजा बशारत का लीगी अराकीन के एहतजाज पर रद्द अमल। एहतजाज करना चाहते हैं किस बात पर? आप मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। आई इंश्योर यू इंशाल्लाह ताला एक एक वोट पोल होगा। किसी को कतई तौर पर अंदर जाने से नहीं रोका। इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे सहाफी का सवाल। हम सब उम्मीद से हैं। हमजा शहबाज का जवाब। मार्शल लॉ से भी बढ़कर हुकूमत इकदाम कर रही है। कौन क्या इल्जाम लगा रहा है सबको याद है। जहांगीर करीम का जहाज भी सबको याद है। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। मियां असलम इकबाल सप्तैन खान और डॉक्टर यास्मिन राशिद की पंजाब असम्बली आमद। राणा मोहम्मद इकबाल जकिया शाह नवाज सादिया सुहेल राणा इरफान दोलताना समेत दीगर अराकीन भी वोट कास्ट करने आए। नून लीग के ताहिर खलील सिंधु ने पहला वोट कास्ट किया। 369 अराकीन खुफिया राय शुमारी से अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। सिंध से गिरफ्तार पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट लाहौर मुंतकिल। कैसर अमीन भट्ट को जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में होने वाली बेजाब्तियों का मामला साबिक डीसीओ सज्जाद भट्टा नैब ऑफिस में पेश। घरों की मिसमारी के खिलाफ बागे गुल बेगम मजंग के रहायशी सराफा एहतजाज नारेबाजी।
खवातीन बच्चे और बड़े सड़कों पर आ गए। मुतासरीन की वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। जेब कतरे नहीं जेब कतरियां, जनरल अस्पताल में खवातीन जेब तराश पकड़ी गई। फुटेज लाहौर न्यूज पर, इंतजामिया ने दोनों खवातीन को पुलिस के हवाले कर दिया।